देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जन्मदिन के दिन हमारे बीच में आ रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़े गौरव का और सौभाग्य की बात है। उनका जन्मदिन भी है और उसी दिन वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी माता बहने हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर काफी तेजी से आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से वो गौरवशाली दिन है। ये अशोक गहलोत जो है वो महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए हैं और उसे लेकर विवाद की स्थिति बनी है, हंगामा हुआ मंदिर में। सर, इससे जुड़ा सवाल है, सर कांग्रेस ये भी कह रही है कि प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं बजरंगदल के लोग और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए, वहां पूरी व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चले। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। ऐसा उन्होंने कहा है क्या? निकाय चुनावों में पत्र जारी किया है कि मैं अति व्यस्त हूँ चुनावों के चलते और इसलिए मैं नहीं जा पा रहा निकाय चुनाव के चलते। अभी तो कोई निकाय चुनाव चल नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी न किसी विषय पर रहा है। जब उन्होंने पहले कुछ महिला के बारे में बोला था और राहुल जी ने आपत्ति की थी, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, कहने के बाद नहीं मांगी थी। वो इसी तरह से इस यात्रा से परहेज कर रहे होंगे जैसा आप कहते हैं। सर, उज्जैन में कल बजरंगदल के लोगों ने यात्रा, अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहाँ पर माननीय मोदी जी का है जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई ना कोई नेता रोज भारत आता है, ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है, कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। कमलनाथ जी